यहाँ हम देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज के कारण 310 रुपए का अधिक भुगतान करना पड़ेगा। साधारण ब्याज के संदर्भ में प्रत्येक वर्ष मूलधन समान रहता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में यह प्रत्येक वर्ष के बाद बदल जाता है। आइए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने की संक्षिप्त विधि सूत्र ज्ञात करने का प्रयास करें। माना मूलधन बराबर पी, दर बराबर आर प्रतिशत, समय एन और मिश्रधन ए है। तब प्रथम वर्ष का ब्याज आई वन बराबर पी वन गुणित आर गुणित एक पूरे के बटे 100। प्रथम वर्ष के बाद मिश्रधन ए वन बराबर पी वन धन पी वन गुणित आर गुणित एक बटे 100 बराबर पी वन कोष्टक में एक धन आर बटे 100 बराबर पी टू यानी कि दूसरे वर्ष के लिए मूलधन। द्वितीय वर्ष का ब्याज आई टू बराबर पी टू गुणित आर गुणित एक बटे 100 बराबर पी टू गुणित आर बटे 100 बराबर पी वन गुणित कोष्टक में एक धन आर बटे 100 गुणित आर बटे 100। इसलिए दो वर्ष बाद मिश्रधन ए टू बराबर होगा पी टू धन आई टू। ए टू बराबर पी वन कोष्टक में एक धन आर बटे 100 धन पी वन कोष्टक में एक धन आर बटे 100 गुणित आर बटे 100 बराबर पी वन गुणित कोष्टक में एक धन आर बटे 100 गुणित कोष्टक में एक धन आर बटे 100 बराबर पी वन गुणित एक धन आर बटे 100 पूरे का वर्ग बराबर पी थ्री यानी कि तीसरे वर्ष के लिए मूलधन। तृतीय वर्ष का ब्याज आई थ्री बराबर पी थ्री गुणित आर गुणित एक बटे 100 बराबर पी थ्री गुणित आर बटे 100 आई थ्री बराबर पी वन गुणित एक धन आर बटे 100 पूरे का वर्ग गुणित आर बटे 100। इसलिए तीन वर्ष बाद मिश्रधन ए थ्री बराबर पी थ्री धन आई थ्री। ए थ्री बराबर पी वन कोष्टक में एक धन आर बटे 100 पूरे का वर्ग धन पी वन कोष्टक में एक धन आर बटे 100 पूरे का वर्ग गुणित आर बटे 100। ए थ्री बराबर पी वन कोष्टक में एक धन आर बटे 100 पूरे का वर्ग गुणित एक धन आर बटे 100। ए थ्री बराबर पी वन कोष्टक में एक धन आर बटे 100 पूरे की घात एन। इस प्रकार एन वर्ष के अंत में कुल राशि मिश्रधन ए एन बराबर पी वन कोष्टक में एक धन आर बटे 100 पूरे की घात एन। मानक रूप में ए बराबर पी कोष्टक में एक धन आर बटे 100 पूरे की घात एन। मिश्रधन बराबर मूलधन गुणित एक धन आर बटे 100 पूरे की घात समय। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन ऋण मूलधन। सी आई बराबर ए माइनस पी। सी आई बराबर पी कोष्टक में एक धन आर बटे 100 पूरे की घात एन ऋण पी। सी आई बराबर पी बड़े कोष्टक में छोटा कोष्टक एक धन आर बटे 100 पूरे की घात एन ऋण एक। अतः इस सूत्र का उपयोग करके चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हैं।